हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अहिल्या बाई होलकर के बारे में जानेंगे। ये पूरे भारत में तीर्थस्थल, मंदिर, बांध, कुएं और बावड़ियाँ बनवाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जो मंदिर बाहरी आक्रांताओं ने नष्ट कर दिए थे तोड़ के, उसका इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। और इनके जीवन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इनके जीवन में जब भी कोई परेशानियाँ आई तो इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, उसका काफ़ी अच्छे से सामना किया। इसलिए इन्हें पूर्ण श्लोक अहिल्या बाई के नाम से भी जाना जाता है। तो जानते हैं इनके बारे में, सो लेट अस स्टार्ट। अहिल्या बाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में चौड़ी नामक गाँव में हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के जामखेड़ा में पड़ता है। इनके पिता का नाम मंकोजी शिंदे और माता का नाम सुशीला शिंदे था। इनका जन्म एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता मंकोजी शिंदे बहुत ही बड़े विद्वान थे। यही कारण था कि इन्होंने अपनी बेटी अहिल्या बाई को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने अहिल्या बाई को बचपन में ही शिक्षा देना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अहिल्या बाई का जन्म हुआ था, उस दौरान महिलाओं और स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन मनकोजी ने अपनी बेटी को शिक्षा दी और अच्छे संस्कार भी दिए। घर में ही इन्हें पढ़ाया लिखाया था, जिस कारण बचपन में ही अहिल्या बाई होलकर के मन में दया भाव की भावना उत्पन्न हो गई थी। अहिल्या बाई बचपन में बहुत चंचल और समझदार थी। ऐसे में उनकी शादी बचपन में ही खांडेराव होलकर के साथ करवा दी गई थी। उनका विवाह उनकी चंचलता और उनके दया भाव के कारण ही खांडेराव होलकर के साथ हुई थी। कहते हैं कि एक बार राजा मल्हार राव होलकर पुणे जा रहे थे और उन्होंने चौड़ी गांव में विश्राम किया। उस समय अहिल्या बाई गरीबों की मदद कर रही थी। उनका प्रेम और दया भाव देखकर मल्हार राव होलकर ने उनके पिता मनकोजी से अपने बेटे खांडेराव होलकर के लिए अहिल्या बाई का हाथ मांग लिया था। इस तरह 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह खांडेराव होलकर के साथ हो गया। उनके पति का स्वभाव भी काफ़ी चंचल और उग्र था। इनका विवाह 1733 में हुआ था। इसके बाद इनकी सास गौतम बाई ने उनमें कई गुणों और मूल्यों का संचार किया। अहिल्या बाई की शादी के 10 वर्ष बाद यानी 1745 में इन्होंने माले राव के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र के जन्म के 3 साल बाद इन्होंने मुक्ताबाई नामक एक पुत्री को जन्म दिया। अहिल्या बाई हमेशा अपने पति को उनके शासन कार्य में सहायता किया करती थी। अहिल्या बाई का जीवन काफ़ी सुखमय व्यतीत हो रहा था, लेकिन 1754 में उनके पति का कुंभेर की लड़ाई के दौरान मृत्यु हो गई। लोगों ने अहिल्या बाई को सती होने के लिए कहा, लेकिन उनके ससुर ने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया। उन्होंने अहिल्या बाई को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया। अहिल्या बाई ऐसी स्थिति में संत बनना चाहती थी। ऐसे विचार जान के उनके ससुर ने उन्हें ये कार्य भी करने से मना कर दिया और अपना फैसला बदलने के लिए कहा। अपने राज की भलाई के लिए उन्हें प्रेरित किया। और कुछ समय बाद ही 1766 में इनके बेटे माले राव का भी बीमारी के कारण निधन हो गया, जिससे वो काफ़ी अकेली पड़ गई। ऐसे में उनकी सास ने उनकी काफ़ी सहायता की और उन्हें युद्ध शिक्षा, राजनीति इन सब से प्रशिक्षित किया, जिससे वो अपने राज को संभालने में सक्षम बनी और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से लड़ सकी। अहिल्या बाई ने अपनी बेटी की शादी यशवंत राव से की थी, जो एक गरीब परिवार से था लेकिन काफ़ी अच्छा योद्धा था। अहिल्या बाई के पति की मृत्यु के बाद उन्हें मालवा साम्राज्य की रानी के रूप में ताज पहनाया गया था। उन्होंने बाहरी आक्रांताओं से और लुटेरों से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। रानी अहिल्या बाई ने कई नष्ट हुए मंदिर घाटों का पुनर्निर्माण करवाया था, जो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध हैं। इसलिए उन्हें देवी और राजमाता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिनके बारे में कोई राजा भी नहीं सोच सकता था। उस समय उन्होंने भारत के अनेक तीर्थ स्थलों पर मंदिर बनवाए,
वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने मार्ग भी बनवाए, कुएं और बावड़ियों का निर्माण भी करवाया और कई बाहरी आक्रांताओं और राजाओं द्वारा हो रहे अत्याचारों जो गरीबों पे हो रहे थे उनके लिए अन्न की व्यवस्था की, भूखे प्यासे लोगों की सहायता की, रहने के लिए सराय धर्मशाला बनवाए और भी कई ऐसे कार्य करवाए जिनमें वह सफल भी हुई और क्रूर राजाओं का विरोध भी किया, जिस कारण अहिल्या बाई को लोग माता की छवि के रूप में मानने लगे। इन्होंने जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया उसमें काशी का विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शिव के लिए है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, इसका पुनर्निर्माण करवाया जो आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसी तरह कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, यहाँ अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, द्वारका, जगन्नाथपुरी, इसी तरह कई मंदिर थे जिनका इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। इन्होंने साहित्य, संगीत, कला और औद्योगिक को काफ़ी बढ़ावा दिया था। भारत के इंदौर शहर के लिए अहिल्या बाई का एक अलग ही लगाव था। इन्होंने इस शहर के विकास के लिए अपनी काफ़ी पूंजी खर्च की थी। अपने जीवन काल में ही अहिल्या बाई होलकर ने इंदौर शहर को एक बहुत ही सुगम शहर या क्षेत्र के रूप में बनवाया था। यही वजह है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यहाँ पर अहिल्या उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दूं कि अहिल्या बाई की तुलना कैथरीन द ग्रेट, क्वीन एलिजाबेथ, डेनमार्क की मार्गरेट से की जाती है क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए भी कई कार्य किए थे। इन्होंने हमेशा ही अंधियारे को खत्म करने का प्रयास किया और अपने जीवन को दूसरे की भलाई के लिए समर्पित किया। एक समय था जब इन्होंने पति की मृत्यु के बाद सब कुछ त्यागने का मन बना लिया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने राज्य एवं धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अहिल्या बाई होलकर जब 70 वर्ष की हुई तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और इंदौर में उनकी 13 अगस्त 1795 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आज भी उन्हें अपने अच्छे कार्यों के कारण माता के रूप में पूजा जाता है, उन्हें देवी का अवतार कहा जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके विश्वसनीय तुकोजी राव होलकर ने शासन संभाला था। इनके सम्मान में भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित करने के लिए इंदौर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अहिल्या विश्वविद्यालय कर दिया। इसी तरह इनके नाम से एक टिकट भी निकाला और कई स्मारक भी बनवाए। ये हमेशा ही कहा जाता है कि किसी सफल पुरुष के पीछे हमेशा एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन इनकी सफलता के पीछे इनके ससुर जिन्होंने इन्हें बेटी के रूप में अपनाया और इन्हें राज्य संभालने के लिए प्रेरित किया, दूसरे इनके पिता जिन्होंने इन्हें शिक्षित किया और तीसरे इनके पति जिन्होंने इन्हें समान अधिकार दिया। अहिल्या बाई होलकर के जन्म दिवस के दिन ही इनकी जयंती भी मनाई जाती है जो कि उनके जन्म दिवस 31 मई के दिन हर साल मनाई जाती है। आपको पता ही होगा कि इन्हें पूर्ण श्लोक नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने पूरे भारतवर्ष में कई मंदिर बनवाए थे और लोगों की सहायता की थी, जिस वजह से इन्हें इस नाम से संबोधित किया जाता है। और इनके ऊपर एक टीवी सीरियल भी बना हुआ है जो पूर्ण श्लोक अहिल्या बाई के नाम से प्रसारित हुआ था, जिसमें आपको इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो ये थी अहिल्या बाई होलकर से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।